नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। हम आपको बता दें, श्रावण का मास चल रहा है, ऐसे में महिलाओं की सुंदरता देखते ही बनती है और महिलाएं सावन की तीज भी मनाती हैं और तमाम त्यौहार भी मनाती हैं। उसी बीच छतरपुर के सेनाई गार्डन में हैंडलूम मेला लगाया गया है, जिसमें आद्या महिला कल्याण समिति सहित अन्य समितियां यहां पे हिस्सा ले रही हैं और ये यहां पे आज से शुभारंभ किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पे जो छतरपुर शहर की महिलाएं हैं, इनके द्वारा खुद से निर्मित किए हुए सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें आप देखिए कि दलिया भी है, पापड़ भी है, बरी भी है। कुल मिला के ऐसी वो चीज़ें हैं जो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लाभकारी हैं, वो सारी यहाँ की महिलाओं ने बनाई हुई हैं और खुद से निर्मित किए हुए सारे प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आपको आएंगे। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आगे चलेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे और ये आप जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे महिलाओं ने खुद से मेहनत करके यहाँ पे बनाई हैं और उनकी कला का यहाँ पे प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चूँकि कलाकृत यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखिए सब महिलाओं ने खुद से डिज़ाइन की हुई चीज़ें हैं। ये सूपा देखें, बुंदेलखंड में इसको सूपा कहा जाता है, इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है ये देखते ही बनता है और इसकी सुंदरता काफ़ी अच्छी है। और यही बात है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी खुद की कला से यहाँ पे तमाम चीज़ें बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं और उनका उद्देश्य ये रहता है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पे हमारी कला का कुछ पता चले और साथ ही यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं वो जन जन तक पहुँचे। तमाम चीज़ों को लेकर वरदान एक्सप्रेस भी आज उनकी कला को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। तो हमारे कैमरे के माध्यम से आज आप पूरी ये तस्वीर देखेंगे कि मेले में क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सावन का महीना है तो राखी से लेकर तमाम वह गहना और यहाँ पे आभूषण के तमाम वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और ये देखिए हैंडलूम का ये पूरा मार्केट लगा हुआ है, कपड़े की भी दुकान सजाई गई है और यहाँ पे सभी जो हैं वो एकदम खादी और देसी जो कपड़े हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ खास बात ये है कि सारी महिलाओं के द्वारा यहाँ पे यह पूरा मेला लगाया गया है। लगातार ये तस्वीरें आप वरदान एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। ये अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ये कंगन देखिए, सुंदरता काफ़ी अच्छी है और ख़ास बात ये है कि यहाँ की महिलाओं ने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो धागा है उसको लपेटकर यहाँ पे मोती लगाए गए हैं ताकि इसकी सुंदरता और भी अधिक हो सके। और इसके अलावा ये पूरे आप कंगन देखेंगे तो सारे कंगन यहाँ पे खुद महिलाओं ने बनाए हैं, खुद डिज़ाइन की हुई है। और इस पर भी नज़र डालिए, ये खूबसूरत ये नज़ारा, इस तरीके से ये महिलाओं ने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की मेहनत रहती है और ऐसे मेले से कितना प्रोत्साहन मिलता है। क्या नाम है आपका? अंजलि अग्रवाल। अंजलि, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से हैंडलूम मेला लगा है, हम देख रहे हैं इसी स्थान पर पिछले 3 साल से लगातार मेले लग रहे हैं, कितना फ़ायदा होता है इन मेलों? इसके लिए हम छोटे जो ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों से, क्योंकि यहाँ हम लोग को छोटी जगह पे बहुत अच्छा करने को मिलता है। जो हम लोग घर पे चीज़ें बनाते हैं वो और कहीं सेल आउट नहीं हो सकती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगना ज़रूरी है। तो हमें मुझे लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल है हम लोग के लिए। इसके पीछे मुझे ये भी नज़र आता है कि जो स्थानीय कलाकार हैं, बुंदेलखंड के कलाकार हैं, जो अपनी कला छिपाए हुए हैं, उनको आज सामने लाने का एक मौका भी मिलता है और इसके माध्यम से थोड़ा सा व्यापार भी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कहीं हम लोग बेच नहीं सकते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे हम लोग आसानी से अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, लोगों को पसंद भी आती है ये वाली। आज के समय लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट से काफ़ी परेशान हैं, जो भी मार्केट में जाओ सारे केमिकल से बने हुए, चाहे वो फेस वॉश की बात करें या साबुन की बात करें, तो सब केमिकल से हैं। आप लोगों ने ऐसा कौन सा साबुन बनाया है जिससे केमिकल ना हम लोगों का ऑर्गेनिक साबुन है जो मुल्तानी मिट्टी है, उसमें पैराफिन और सल्फेट फ्री है, वो बिल्कुल ग्लिसरीन सोप बेस पे बने हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ऊपर से उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो नीम तुलसी का बनाया है तो उसमें उसके रेशे हैं, कि हम लोगों ने ऐसा फ्रॉड नहीं किया है, उसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक सामान ही डाला हुआ है। यहाँ पे हम जो ये कंगन देख रहे हैं, ये कंगन किसने डिज़ाइन किया? ये कंगन मैंने खुद ही ने डिज़ाइन किया। अच्छा, है आपका डिज़ाइन किया? हाँ, ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा सिल्क थ्रेड अलग अलग दिखता है। अच्छा, ये इसको बनाने में कितना वक्त लग जाता होगा एक सेट बनाने में? इसके अलावा खर्च कितना आता होगा? इसमें एक मीन्स आप कहें तो 1 घंटे में बना सकते हैं अगर आपकी स्पीड तेज़ हो गई हो। इसमें खर्चा 60-40% रहता है। अच्छा, देखिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि एक
यहाँ पे जिनसे हमने बात की है उन्होंने खुद से डिज़ाइन किया हुआ ये पूरा कंगन है और इसको 1 से 1.5 घंटे में डिज़ाइन करके कंप्लीट किया है। और यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाया जाता है क्योंकि यहाँ पे कला को सामने लाने की बात होती है। लोग, स्थानीय लोग यहाँ के कलाकारों की चीज़ें, आभूषण पहने, ये प्रमुखता होती है। इसके साथ ही अब आप ये देखिए कि किस तरीके से सारे यहाँ पे खुद से बनाए हुए सारे प्रोडक्ट हैं। और ये जो साबुन है, शॉप है, ये देखिए कि यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी से बनाया हुआ है ताकि आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। हाँ, थोड़ा सा इस साबुन के बारे में। ये मुल्तानी मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी ज़्यादातर अपन जब लगाते हैं तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जो फेस ऑयल रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस सोप में आप लगाएंगे, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करेंगे तो ऐसी ड्राइनेस नहीं आएगी, आपके स्किन का जो ऑयल है वो रहेगा आपके। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपके हाथ से बनाया हुआ है? ये मैंने कैंडल्स भी पूरे हाथों से बनाई है। अच्छा, ये कैंडल्स का, हाँ, ये मैं अमेज़ॉन पर भी सेल आउट करती हूँ। ये पूरी पेंटिंग्स वगैरह जो आप देख रहे हैं पीछे, लिप्पन आर्ट है, वो सारी मैंने बनाई है। अच्छा, जैसे आपने अमेज़ॉन का जिक्र किया तो ऑनलाइन व्यापार कितना कर पाती हैं आप लोग? ऑनलाइन व्यापार को पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, मीन्स आप पहले उसको देखिए कि कितना हो, प्रमोट करना पड़ता है, तो प्रमोट के बाद ही वो चल पाता है। अभी तक हम लोगों का ज़्यादा नहीं हुआ है अमेज़ॉन से, क्योंकि उतनी हम लोगों ने अभी रीच फैलाई नहीं है उसको। चलिए, थैंक यू। तो इस तरीके से सारी जानकारियाँ इन्होंने दी है। और ये अब आभूषणों की बात करें तो यहाँ पे कान के जो बाले हैं, टॉक्स हैं, वो सब चीज़ें लगी हुई हैं और ज़्यादातर यहाँ पे खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं। ये पूरा एक मेला तैयार किया गया है और ये 3 दिनों तक लगातार चलने वाला है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए अच्छे से कि साड़ी से लेकर पूरा सिंगार का सामान यहाँ पे मौजूद है। और ये मार्केट में यहाँ पे जो मेला लगाया गया है उसमें काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं। आज से शुभारंभ किया गया है, अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से ये मेला निरंतर चलेगा। ये पूरी दुकानें सजाई हुई हैं और यहाँ पे मंदिर का सामान है, सिंगार का सामान है, इसके साथ ही यहाँ पे पूरा ये डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार यहाँ पे और महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मेले की क्या विशेषता है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। तो हम यहाँ पे हैंडलूम मेले के लिए बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय महिलाओं ने खुद की कला से यहाँ पे सामान को बनाया है और उसको सेल करने के लिए मेला लगाया है। कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं मेले के बारे में। आपने यहाँ पे मेले में जिस तरीके से आनंद लिया है, क्या दिखा, किस तरीके से महिलाओं ने खुद से डिज़ाइन की हुई चीज़ें रखी हैं? यहाँ जो सामान है बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। आद्या महिला समिति, देवता नेचुरल और आशिमास कलेक्शन, इंदिराज कलेक्शन, इन लोगों की तरफ से बहुत अच्छा अच्छा, फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, सभी के कुछ ना कुछ काम का है और बहुत ही अच्छा, उपयोगी और सुंदर सामान इन लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसका लाभ मुझे लगता है सभी को आकर यहाँ पर लेना चाहिए। जिस तरीके से ये यहाँ की स्थानीय महिला कलाकार हैं, ये अपनी कला का प्रदर्शन भी करती हैं, जो मेहनत करती हैं वो दिखाती हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में शहर की और महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे लोगों से? हाँ, बिल्कुल प्रोत्साहन मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी चीज़ें हैंडमेड है, तो इससे इनको रोज़गार भी मिल रहा है और हमें भी काफ़ी कलात्मक चीज़ें खरीदने का मौका मिल रहा है। अर्चना जी, आप जिस तरीके से लगातार इस फील्ड में काम कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से लगातार मेला निरंतर चल रहा है, तो किस तरीके से आपने इन महिलाओं को आगे बढ़ाया है और कितना सपोर्ट रहता है उन लोगों का?
देखिए बुंदेलखंड में अगर बात करें तो महिलाओं को पहले निकलने की इजाज़त नहीं थी और बहुत ज़्यादा यहाँ बंदिशें थी, वैसा ग्रामीण क्षेत्र भी पड़ता था। लेकिन अब जो है तस्वीर बिल्कुल पलट गई है और अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने में अंदाज़ा लगेगा कि महिलाएं घर पे रह के और क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर महिलाओं के अंदर हुनर है तो वो अचार, बड़ी, पापड़, विभिन्न प्रकार के पापड़, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाती हैं और इतनी सुंदर राखियाँ, इतने सुंदर बैग्स, पोटलीज़ और भी कई सामान हैं जो महिलाएं बनाना शुरू कर दिया है जिन्होंने। तो ये अगर अपन को एक छत के नीचे चाहिए, तब हमको लगा कि एक ऐसी जगह अपन करें ये काम जहाँ पे महिलाएं आएँ और उनको एक साथ ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। तो यही कॉन्सेप्ट लेके ये सावन मेला लगाया गया है। त्यौहार का समय है और सावन, जिसमें कि कहा जाता है हम महिलाओं का बड़ा अच्छा, बड़ा प्रिय त्यौहार है, बहनें अपने पीहर जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी राखियाँ भी हैं, बैग्स हैं, पोटलीज हैं, हमारे यहाँ पोशाक का चलन है, राजस्थानी पोशाक भी हैं, साड़ियाँ भी हैं, बहुत सुंदर सूट्स भी हैं, हाथों के द्वारा बने हुए बहुत सारे आइटम हैं, ज्वेलरीज भी हैं, गिफ्ट भी हैं, कई सारे जो सामान हैं। और तो आपको खुद ही लगेगा देख के कि ये बहुत अच्छा है। तो ये बहनों की जो मेहनत है उसको हमने जो है एक छत के नीचे उतारा है। 3 सालों में कितनी प्रोग्रेस की है इस मेले ने? बहुत प्रोग्रेस की है। अब तो काफ़ी, अब तो मतलब जब ये मेला नहीं लगता है तो महिलाएं फ़ोन करके पूछती हैं कि अब कब लगना है सावन मेला, या दीपावली के समय, करवा चौथ के समय जब हम लगाते हैं तो महिलाओं के पहले से फ़ोन आ जाते हैं कि हमको ऐसा सामान चाहिए, क्या ऐसा रहेगा क्या। तब हम उनको बताते हैं कि हाँ रहेगा ऐसा। तो महिलाओं को भी इस मेले का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। आप जिस तरीके से राजस्थानी ये हाँ राजस्थानी मटेरियल है, अच्छा, पूरा पोशाकें भी हैं, ज्वेलरी है, जड़ाऊ ज्वेलरी है, पर्स हैं, बैंगल्स हैं, सारा जयपुरी आइटम्स हैं हमारे। तो ये सब आप खुद से डिजाइन करती हैं? नहीं नहीं, कुछ डिजाइन किया है, कुछ मंगवाते हैं बाहर, अच्छा, से। तो यहाँ पे जिस तरीके से 3 दिवसीय मेला लगता है, कितनी प्रोग्रेस हो जाती होगी, कितना सपोर्ट मिलता है? नहीं, सपोर्ट तो काफ़ी मिलता है, सब लोग आते हैं, देखते हैं, हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, प्रोग्रेस तो काफ़ी होती है इससे। हमारे चैनल के माध्यम से और महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं जिनके अंदर कला है लेकिन वो फिर भी आज घर पे बैठी हुई है? नहीं नहीं, आप लोग आएँ, आगे आएँ, सबके लिए खुला है ये मंच। आप लोग अगर हुनर है तो आप लोग अपना हुनर भी दिखाएं और सभी के लिए ये मंच खुला है, सब आ सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने हैंडलूम मेले में जाना है कि क्या यहाँ पे खास है और क्या चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही हैं, और सबसे अच्छी बात है कि स्थानीय कलाकारों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।